हेलो चिल्ड्रेंस, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी साइंस में फिजिक्स पार्ट के ग्रेविटेशन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि ग्रेविटेशन क्या है। तो सबसे पहले आइए देखिए, पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स की क्या आवश्यकता पड़ती है, कहां पर इसका यूज है। तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक द बॉडी मूव। किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। बिना फोर्स के हम किसी भी बॉडी में मोशन नहीं ला सकते। विदाउट फोर्स वी डू नॉट पुश और पुल द ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी। सो अब देखिए, यहां पर हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा रहे हैं, कुछ ऊंचाई से हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ हमारे अर्थ की तरफ जाता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट में मोशन आता है। व्हेन वी ड्रॉप ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी हाइट, द ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट इज इन मोशन, क्योंकि उसमें मोशन आता है, मोशन होता है। हियर अर्थ अट्रैक्ट फोर्स टू स्टोन। अर्थ क्या करती है, स्टोन पर अट्रैक्ट करती है, पुल अपनी तरफ खींचती है। अर्थ उस स्टोन को अपनी तरफ खींचती है। सो अ फोर्स विथ विच अट्रैक्ट टू द स्टोन बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी। वह फोर्स जो अर्थ के द्वारा उस स्टोन पर लगाया जाता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, या इसे हम अर्थ की ग्रेविटी कहते हैं। इवन आपको यह भी मालूम होगा कि एक बार जैसे कहा जाता है कि सर आइजैक न्यूटन एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, बहुत महान साइंटिस्ट थे, वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक उनके ऊपर एक शेप गिरा, एप्पल फेल हुआ। तो वहां पर उन्होंने ये देखा और ये बताया कि ये सेब जब ऊपर से गिरा तो नीचे की ओर आया, इसका मतलब है कि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस सेब को अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और वहां पर उन्होंने कहा कि जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है अर्थ एप्पल को, वो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेड़ों की पत्तियां हैं, जब पेड़ों से डिटैच होती हैं, टूटती हैं, तो वो नीचे की तरफ गिरती हैं। When the leaves of the plant or tree is fallen, it's downwards to the earth due to earth attract with the force. द लीव्स डाउनवर्ड्स, तो अर्थ क्या है, उसको अपनी तरफ खींचती है। इवन इतना ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इवन आप देखिए, ग्राउंड में पड़े हुए दो छोटे छोटे पत्थर हैं, कंकड़, वो भी अपनी तरफ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यहां तक देखिए, अब कंकड़ जो होते हैं उनका मास बहुत कम होता है, तो वी कैन नॉट डिटेक्ट इजली, उसको हम जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर पाते, नहीं पहचान पाते हैं। इन अदर वे देखिए, अगर आप कोई स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकिए, आप देखेंगे कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड्स टू द अर्थ,
तो यहाँ पर देखिए हमारी जो अर्थ है बहुत बड़ी है, उसका मास बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। और एक पत्थर है, कोई भी बॉडी है नीचे की तरफ गिरती हुई दिखती है। तो यहाँ पर ये माना जाता है, कहा जाता है, यहाँ पर ये सच है, फैक्ट, कि अर्थ अपनी तरफ हर एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। व्हेन वी थ्रो द ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स देन द ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउनवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टू द डाउनवर्ड्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इन द यूनिवर्स ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स एंड द फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके नाउ आई थिंक एंड द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अ फोर्स इज द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स विच द एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इट इज इन्वेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन। ओके बच्चों,